जब हम घर से बहुत दूर या तो किसी काम के लिए या फिर कहीं घूमने फिरने निकलते हैं, तब सड़कों के किनारे लगे जो साइन बोर्ड और माइलस्टोन होते हैं, वही हमारे सही मार्गदर्शक बनते हैं। हाँ, आजकल गूगल मैप का इस्तेमाल ज्यादा होता है, लेकिन अब भी कई ऐसे लोग हैं जो इन मिल के पत्थरों की मदद लेते हैं और आगे उन्हें जहाँ जाना होता है उस बारे में पता चलता है कि अब आगे कौन सा गांव आने वाला है या फिर कौन सा बड़ा शहर आने वाला है और वो कितना दूर है उसका भी पता चलता है। लेकिन अगर आपने कभी इन मील के पत्थरों को गौर से देखा होगा तो आपको पता होगा कि मील के पत्थर अलग अलग रंग के होते हैं। जैसे कुछ मील के पत्थर पीले रंग के होते हैं तो कुछ नारंगी रंग के, कुछ काले रंग के होते हैं तो कुछ हरे रंग के, और कुछ सफेद रंग के भी मील के पत्थर होते हैं। असल में हम में से ज्यादातर लोग इन मील के पत्थरों का इस्तेमाल आगे कौन सा शहर या कौन सा गांव आने वाला है और वो कितना दूर है, सिर्फ इसी काम के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। लेकिन ये मील के पत्थर हमें और भी बहुत कुछ बताते हैं जिस बारे में हम में से ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं मील के पत्थरों के बारे में जानेंगे कि हमारे भारत में कितने रंग के मील के पत्थर होते हैं, उन अलग अलग रंगों का क्या मतलब होता है, हमारे भारत में कितना बड़ा रोड नेटवर्क है, रोड नेटवर्क के मामले में भारत कितने नंबर पर आता है, भारत में कितनी तरह की सड़कें होती है और उसका क्या मतलब होता है, यह भी जानेंगे। और इसके अलावा जैसे मील के पत्थर हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं, वैसे ही अपने मोबाइल से पैसे कमाकर अगर आपको भी आगे बढ़ना है तो आप बिनोमो ऐप को डाउनलोड करें, क्योंकि यहाँ एक ऑनेस्ट ट्रेडिंग ऐप है जो एंड्रॉयड और iOS दोनों पर है। बिनोमो में आपको गूगल और अमेजन जैसी बड़ी कंपनियों के स्टॉक की वैल्यू को फोरकास्ट करना होता है कि समय के साथ ये इंक्रीज होगी या डिक्रीज। देखो, जैसे मुझे अपने एक्सपीरियंस से लग रहा है कि स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज होगी, इसलिए मैंने ₹700 का फोरकास्ट अप पे कर लिया। अब थोड़ा वेट करें। यस, मेरा फोरकास्ट सही निकला। इसे आप 24 घंटे के अंदर अपने बैंक और पेटीएम में विड्रॉ कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, आपको मिनिमम ₹350 डिपॉजिट करना है, लेकिन अगर आप हमारा प्रोमो कोड यूज करेंगे तो आपकी डिपॉजिट डबल हो जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन लिंक से बिनोमो डाउनलोड करने पर आपको ₹65,000 डेमो अकाउंट में ट्रेडिंग प्रैक्टिस और डिफरेंट स्ट्रेटेजी ट्राई करने के लिए मिलेंगे। तो डाउनलोड बिनोमो ऑनेस्ट ट्रेडिंग ऐप, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो हम बात कर रहे थे मील के पत्थर की यानी माइलस्टोन की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे नारंगी रंग के मील के पत्थरों की। इस इमेज को देखें, इसमें जो माइलस्टोन है वो नारंगी और सफेद रंग का है। अगर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं और रास्ता भटक जाए, जाना आपको शहर में हो लेकिन आप जान नहीं पा रहे हैं कि आप शहर जा रहे हैं या गांव, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। सड़क के किनारे लगे पत्थर पर नजर दौड़ाइए। मुख्य सड़क के दाई और बाई ओर जाने वाले ग्रामीण सड़कों पर एक प्रकार के नारंगी रंग के बोर्ड आपको जरूर नजर आ जाएंगे। अगर आपको नारंगी रंग का मील का पत्थर नजर आ जाए तो समझिए कि आप किसी गांव की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि इस रंग के माइलस्टोन सिर्फ ग्रामीण सड़कों पर ही लगे होते हैं। और इसका मतलब यह हुआ कि आप प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना यानी PMGSY से बनी सड़क पर सफर कर रहे हैं, जो आपको किसी गांव तक ले जाएगी। और अगर आप में से किसी को पता हो कि PMGSY की शुरुआत भारत में किस प्रधानमंत्री ने की थी, तो उसका नाम नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद बात करेंगे हरे रंग के मील के पत्थर की। अब इस इमेज को देखें, इसमें जो माइलस्टोन है वो हरा और सफेद रंग का है। आपने सफर के दौरान सड़क किनारे इस रंग का पत्थर तो जरूर देखा होगा, क्योंकि ज्यादातर आपको इसी कलर के माइलस्टोन देखने को मिलते हैं, क्योंकि ज्यादातर इलाकों में यही लगे होते हैं। दरअसल आपको अगली बार अगर इस रंग के पत्थर मिले तो आप समझ सकते हैं कि आप किसी स्टेट हाईवे से गुजर रहे हैं जो एक राज्य को दूसरे राज्य के साथ जोड़ता है। इस सड़क का निर्माण राज्य सरकारें करती है, इसलिए इसके रखरखाव की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार की ही होती है। इसका निर्माण भी राज्य सरकारें ही करती है। उसके बाद बात करेंगे पीले रंग के मील के पत्थर की। अब इस इमेज को देखें, इसमें जो माइलस्टोन है वो पीले और सफेद रंग का है। सड़क किनारे बना हुआ पीला माइलस्टोन आपको राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने का संकेत देता है, यानी जब आप नेशनल हाईवे पर सफर कर रहे हो तो आपको रास्ते में इसी रंग के पत्थर मिलेंगे। ये केंद्र सरकार की ओर से बनाई सड़कों पर लगे होते हैं।
और इन सड़कों के निर्माण और रखरखाव की जिम्मेदारी भी केंद्र की ही होती है। उसके बाद बात करेंगे ब्लैक और ब्लू रंग के मील के पत्थर की। अब इस इमेज को देखें, इसमें दो माइलस्टोन हैं, एक ब्लैक कलर का और एक दूसरा ब्लू कलर का, लेकिन इन दोनों का मतलब एक ही होता है। इस रंग के पत्थर आपको किसी बड़े शहरों में ही देखने को मिलते हैं, दिल्ली, अहमदाबाद, पुणे, मुंबई जैसे शहरों में। दरअसल काले या ब्लू रंग के मील के पत्थर ये बताते हैं कि आप किसी बड़े शहर या जिले की तरफ बढ़ रहे हैं। इन रंगों के माइलस्टोन वाली सड़कें शहर के प्रशासन के अंडर होती है। नगरीय निकाय इन सड़कों का निर्माण करता है और कई जगह पूरे सफेद रंग वाले मील के पत्थर भी लगे होते हैं। इनका मतलब भी यही होता है कि आप किसी शहर की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद बात करेंगे सफेद रंग के मील के पत्थर की। इस इमेज को देखें, इसमें जो माइलस्टोन है वो पूरा का पूरा सफेद रंग का है। सफेद रंग का मील का पत्थर अवर्गीकृत सड़कों पर यानी नॉन क्लासिफाइड सड़कों पर लगे रहते हैं। यह सड़कें लोक निर्माण विभाग यानी PWD के अधीन हो सकती है। इसका निर्माण राज्य शासन द्वारा लोकहित में आवश्यकता अनुसार करवाया जाता है। तो ये तो बात हुई माइलस्टोन और उसके कलर की। अब बात करते हैं भारत में जो सड़कें होती है उसकी। अब भारत में अभी तक टोटल जो रोड नेटवर्क है यानी टोटल सड़कें जो है 58,97,671 किलोमीटर की है। और जानकर बड़ा आश्चर्य होगा आपको कि भारत का यह रोड नेटवर्क दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है और पहले नंबर पर है अमेरिका, जिसके पास 66,00,000 किलोमीटर से ज़्यादा रोड नेटवर्क है। और ये उन सड़कों की बात है जो पक्की सड़कें हैं, जिन्हें प्रशासन बनवाता है वो सड़कें जो डामर और कंक्रीट से बनाई जाती है। कच्ची सड़कें इसमें शामिल नहीं है, सिर्फ पक्की सड़कें 58,97,671 किलोमीटर की है। लेकिन अगले 2 या 3 दिन या 10-15 दिन बाद यह नंबर बदल जाएगा, क्योंकि सड़कें बनने का काम हर रोज भारत में किसी न किसी कोने में चलता ही रहता है। अब ये जो सड़कें हैं हमारे भारत में, वो भी अलग अलग तरह की सड़कें होती है। जैसे हमारे देश में जो सबसे बड़ी सड़क होती है उसे एक्सप्रेस वे कहते हैं, जिस रोड पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बहुत तेज गति से चलती है। तो भारत में टोटल एक्सप्रेस वे सिर्फ 1642.5 किलोमीटर के ही है, जो कम से कम 8 लेन के होते हैं या उससे भी ज़्यादा लेन के हो सकते हैं। और भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे जो कि 14 लेन का है, उसका नाम मैं नहीं बताऊंगा आपको। अगर आप जानते हैं उसका नाम तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे। उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा रोड होता है वो है नेशनल हाईवे। अब इस मैप को देखें, भारत में जो नेशनल हाईवे है उसका मैप है यह। नेशनल हाईवे यानी जो अंतर्राज्यीय दो बड़े शहरों को या 2 से ज़्यादा शहरों को जो सड़क जोड़ती है उसे नेशनल हाईवे कहते हैं। भारत में 1,51,019 किलोमीटर के टोटल नेशनल हाईवे है। जो भारत का टोटल रोड नेटवर्क है 58,00,000 किलोमीटर का, उसका सिर्फ 2.7% नेशनल हाईवे है। और उसमें भी भारत का ट्रैफिक है, टोटल उसके 40% ट्रैफिक नेशनल हाईवे से गुजरता है। यानी हमारे देश में नेशनल हाईवे की कमी है, हमें और ज़्यादा नेशनल हाईवे बनाने की ज़रूरत है। अब इस मैप को फिर से देखें, नेशनल हाईवे को जो नंबर दिए जाते हैं वो एक खास तरह के होते हैं। जैसे इस मैप में जो ब्लू लाइन है वो श्रीनगर से कन्याकुमारी का जो नेशनल हाईवे है उसकी लाइन है। यानी जो उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ की जो रोड है वो इस मैप में ब्लू कलर में है। और इन सभी नेशनल हाईवे को इवन नंबर दिया जाता है, यानी सम संख्या 2, 4, 6, 8 ऐसे ही। और इस मैप में जो पूर्व भारत से पश्चिम भारत की तरफ जो रोड है वो लाल रंग की लाइन से दर्शाया गया है, जिसे ऑड नंबर दिया जाता है, यानी विषम नंबर 1, 3, 5, 7 ऐसे नंबर। अब इस मैप को देखें, इसमें भारत का सबसे बड़ा जो नेशनल हाईवे है उस बारे में बताया गया है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है, जो करीब 4400 किलोमीटर लंबा है। और यह उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ जाता है, इसलिए इसे इवन नंबर दिया गया है, नेशनल हाईवे 44 यानी NH 44। और भारत का दूसरा सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है पूर्व भारत से पश्चिम भारत वाला, जो गुजरात के पोरबंदर से शुरू होकर आसाम के चिल्चर को जोड़ता है, जिसकी लंबाई टोटल 3200 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम
यानी इसे ऑड नंबर दिया गया है NH27। उसके बाद तीसरा राज्य राजमार्ग जिसे स्टेट रोड भी कहते हैं। टोटल स्टेट रोड भारत में 1,74,166 किलोमीटर का है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट रोड जो टोटल भारत में 5,61,940 किलोमीटर का है। और आखिरी रूरल रोड यानी गांव की सड़कें जो होती है वो भारत में सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है। भारत के 70% रोड रूरल रोड नेटवर्क में आते हैं। तो मेल के पत्थरों के बारे में और भारत की सड़कों के बारे में यहाँ सब कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।